हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हरिशंकर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज मैं लतौना उत्तर में हूँ और लतौना उत्तर में एक और दो वार्ड के बीच यहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा सम्मेलन, जो भगैत सम्मेलन होता है। तीन जिला मिला के, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा मिला के यहाँ पे भगैत सम्मेलन होने वाला है। महायज्ञ लगने वाला है। इस यज्ञ में आपको 551 कलश यात्रा किया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे काफ़ी बहुत बड़ा फील्ड है ठाकुरबाड़ी में। यहाँ पे शिव भगवान भी स्थापना किया गया है, वह भी दिखाऊंगा। लेकिन यह पंडाल को देखिए, यह पंडाल में जो दूर दराज से महायज्ञ करने के लिए जो भक्तिया आते हैं यहाँ पे बैठेंगे और प्रवचन कहे जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आज मैं आप लोग को बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ के ए लतौना जो धार से पश्चिम है, एक दो और तीन वार्ड के जो भी ग्रामीण है सब यहाँ पे विचार विमर्श किया जा रहा है, जो कि महापुरुषों के द्वारा यहाँ पे आप लोगों को देखते हैं। यहाँ पे महायज्ञ होने वाला है, जो कि आप सबों के बीच हैं। सारा प्रक्रिया बन चुका है, कलश घर भी यहाँ पे बन चुका है और बाबा बजरंग बली भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए धीरे रूप से तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा माला का फूल लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ भी भगवान का बनके तैयार है, जो कि आप सबों के बीच मैं चाहता हूँ और आप लोग जानना चाहते हैं कि यह आपको कलश यात्रा कब प्रारंभ होगा। तो आप सबों को मैं बता दूं, 14 मार्च को कलश यात्रा होगा और महासम्मेलन जो होने वाला है यहाँ पे तीन दिन रहेगा, जो कि 14 मार्च और 15 मार्च और 16 मार्च यहाँ पे होगा। और यहाँ पे यज्ञ स्थल का जो बहुत बड़ा होने वाला है, ये हवन प्रक्रिया के साथ साथ यहाँ पे कलशा रूपा और कलशा रखा जाएगा और हवन प्रक्रिया के लिए दूसरे जगह घर का इंतजाम किया गया है, जिसमें हवन होगा 72 घंटा तक। और आप लोग देखते हैं पूर्ण रूप से इसे खिड़की के द्वारा बनाया गया है, बत्ती के द्वारा, बांस के और खड़ से ऊपर से छारा गया है। काफ़ी सजावट अभी किया जा रहा है। इसके बीच आप लोग जानते हैं इसी तरह से महायज्ञ किया जाता है। बहुत काफ़ी यहाँ पे सभी ग्रामीण और दर्शकों का यहाँ पे योगदान है। साथ ही मैं आप लोग को चाहता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, जो कि लतौना दक्षिण कसहा ग्राम से बिलोंग करता हूँ और 2 नंबर मेरा घर हुआ वार्ड। और ये देखिए ठाकुरबाड़ी है, जो पहले से तैयार किया गया है। यहाँ पे शिव भगवान भी स्थापना किया गया है, जो कि आप सबों के बीच काफ़ी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ के सब ग्राम वासियों का। तो आप देखना नहीं भूलेंगे 14 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च को मैं आप लोगों को ले चलूँगा, शिव भगवान का भी दर्शन करवाऊँगा। यहाँ पे इसी वीडियो में बने रहते हैं। ये सुदामा जी का बनाया हुआ मूर्तियाँ हैं, जो कि सुदामा जी के बारे में आप बहुत भली भांति जानते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग को मैं लेके चलता हूँ धीरे। कुछ भगवान का यहाँ पे मूर्तियाँ देखिए तैयार हो चुका है, रंग पेंट किया जा रहा है, धीरे धीरे नींद पड़ेगा और यहाँ पे सारा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं अगर इस ब्लॉग्स वीडियो के माध्यम से देखने को लिए, तो ज़रूर आप लोग देखें। मैं चाहता हूं आप लोगों के बीच हमेशा नई वीडियो लेके आऊं, ताकि आप मेरा वीडियो को देखें और पसंद आ जाए कि एक यूट्यूबर को कितना मेहनत करना पड़ता है एक ब्लॉगिंग के पीछे। पहले तो उसे वीडियो शूटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर उसे कन्वर्ट करना, फिर उसे यूट्यूब पे चढ़ाना। हम लोग सारी प्रक्रिया मोबाइल से ही करते हैं, आप सबों को दिखाने का काम करता हूँ। तो आप जरूर देखिए। और ये शिव भगवान का मूर्तियाँ, जो कि मंदिर बना हुआ है, चलिए दर्शन मैं आप सबों को कराता हूँ शिव भगवान का, जो कि काफ़ी बहुत यहाँ पे दिनों से यहाँ पे सभी का
मनोकामना को शिव भगवान पूरा करें। जो भी भक्तगण पूजा के लिए आते हैं तो ज़रूर आप देखते रहें, आगे आगे देखिए क्या होता है। सारी जानकारी मैं आप सबों के बीच। वह जीवन ही बस जीवन है जो तेरे रस से भीना है। देखा है जब से आपको यहाँ पे हवन होने वाला है 72 घंटा। ये हवन का घर है, पूर्ण रूम से फिनिशिंग होके तैयार हो चुका है। और ये रहा पंडाल गेट का बहुत बड़ा गेट। तो आप जरूर देखेंगे इस ब्लॉग वीडियो को। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अभी धूप का मौसम है जो मार्च महीना होता है, जो कि 5 और 10 तारीख से आप लोगों को काफ़ी धूप लगने लगता है। ये अभी धूप का असर आ चुका है सर के ऊपर। तो इस ब्लॉग्स वीडियो को देखें और मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना बना लिया अपना बना लिया, देखा है जब से आपको।